वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, तो अभी चल रही है दिवाली की सफाई। जैसा कि आप पीछे वाली दीवार देख सकते हैं, ये पूरी खाली दिख रही है। क्यों? क्योंकि सब मैंने फोटोज़ वगैरह उतार ली है, ठीक है। और अभी सफाई चल रही है इसकी, बजरंगबली की सफाई गंदी हो चुकी है। तो अगर एक टिप दे रही हूँ दिवाली की सफाई के लिए, दिवाली की सफाई कोई भी सफाई अगर आप करते हैं, फोटो पे ज़्यादा दाग पड़ा हो, नहीं छूटता हो, कभी कभी गर्म पानी सर्फ वगैरह डालते हैं हम लोग, उसको साफ करते हैं, नहीं छूटता, उसके बाद सैनिटाइजर लेना है, फुस करना है एंड कपड़े से रगड़ देना है कि ऐसी भी मैल हो निकल जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ लगाया, ये देखो कितना कालापन था, यहाँ से चमक गया। अभी यहाँ ब्लैक है, ये देखो यहाँ ब्लैक है, यहाँ साफ करेंगे। चलो थोड़ा स्पीड में साफ करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड लगा देती हूँ क्योंकि आप लोग इतना झेल नहीं पाओगे जितनी देर मैंने सफाई करी है, ठीक है। लो जी, हो गई है सफाई मेरी, हनुमान जी हो गए साफ। जो ये ब्लैक सा दाग दिख रहा है ना, वो अंदर से धूप टाइप की, जैसे धूप का जो कालापन होता है ना, वो चला गया है। तो अब इसको फोटो को भी हम लोग साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। और कई लोग ना साफ करते हैं तो आधा छोड़ ही देते हैं, वैसा काम मत करो। एक बार साफ कर रहे हो, अच्छे से साफ करो, ठीक है। और जब ना साफ हो तो उसको सैनिटाइजर से साफ कर दो, वो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अब ये वाली भी मैंने पूरी साफ कर ली है, पीछे उछे से भी बढ़िया साफ कर देती हूँ, एकदम चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि भाई सही साफ हुई है कि नहीं। अभी थोड़ी कम साफ लग रही है मुझे, तो मैं दोबारा साफ कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे दाग वाग है उसको रगड़ के पूरा अच्छे से साफ करना है, थोड़ा साफ कर लेंगे। कभी भी काम को अधूरा मत छोड़ो, करो तो ढंग से करो वरना मत करो, मेरे तरीके से मैं ऐसा ही करती हूँ, जो करती हूँ तो ठीक से करती हूँ वरना नहीं करती, ठीक है। अब ये हो गया है, अब इसको मैं रख देती हूँ। अब नेक्स्ट वाली उठा के अब हम रख देंगे, ऊपर रखना है उस पर सेल्फ पे। तो रखने से पहले एक बार इसको साफ भी कर लूँ, काफ़ी दिनों से साफ नहीं किया था, तो हम बीच में चले गए थे ना, हाँ तो वही है। तो उसके बाद अब आए हैं तो साफ करना पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ही साफ करना। मिरर है, और मिरर को ना अगर आप सोते हो तो फ्रंट में फेस आपका, जैसे आप सो रहे हो तो आपके सामने शीशा नहीं होना चाहिए, तो इसको शीशे को ना सामने से नहीं रखना। मैं अभी इसको उल्टा रखूँगी, ये देखो आप, मैं इसको उल्टा रखती हूँ इसीलिए, ताकि मैं सो के उठूँ तो शीशा ही ना दिखे, सोते वक्त मुँह पे मतलब परछाई नहीं दिखनी चाहिए, अपना फेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये फ़ोटोज़ में लगा देती हूँ, ये बजरंग बली की फ़ोटो है, जो लोग नहीं जानते ना, ओरिजिनल बजरंग बली की फ़ोटो है, ऐसे ही थे। इसकी भी कहानी है कि जिसने इस फोटो को क्लिक किया था, इसकी मंदिर में मूर्ति है कहीं, मुझे कुछ पता नहीं है खास इतना, तो वो जिसने क्लिक किया था वो मर गया, मर जाता है, ऐसा कुछ है इसका सीन। और ये मेरे कॉलेज की पिक्स हैं, यादें मेरे कॉलेज की बहुत ही याद आती है। और अब घड़ी उठा लेते हैं, घड़ी को भी रख देती हूँ। और हाँ, घड़ी भी जब आप घड़ी लगाओ तो पहली बात कि घड़ी को हमेशा एकदम सीधा रखो, स्ट्रेट होनी चाहिए। कभी ना आपकी घड़ी कभी कभी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो घड़ी टेढ़ी हुई, घड़ी बंद हुई तो आपका समय बंद हुआ, समय टेढ़ा हुआ। तो हमें समय को सीधा रखना है अपने हिसाब से, ठीक है। This is my home. 18 years old.